हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स रिसना देवतपाल ब्लॉग चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल और सबको राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज जो है, आज का जो डे है वो है 10th of August। तो थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ और चला लेती हूँ फैन। और जो अभी जो स्थिति है वो ऐसी है, मैं आपको दिखा दूंगी अभी मेरी घर की स्थिति क्या है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा माइंड लगाना पड़ रहा है और कि इसको मैं कैसे करूँ कैसे ना करूँ, ऐसे ऐसे करके मुझे थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ रहा है। तो जो सूट करेगा मैं वैसे कर दूँगी, क्योंकि देखिए कुछ मतलब ये फंक्शन ऐसे होते हैं कि इनको अगर फंक्शन की तरह मनाया जाए तो बहुत ही दिल को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और देखिए घर को कोई देखने तो नहीं आता, लेकिन फिर भी जो भी अपने दिल को अच्छा लगता है वो कर लेना चाहिए और खुद को अच्छा लगना चाहिए। तो गाइज, वैसे कल का जो डे है उस डे में हमारे घर में क्या, सभी के घर में सब लोग आएंगे और जाएंगे, क्योंकि कल का जो डे है वो है राखी वाला डे। और राखी वाले डे के साथ क्या है स्पेशल वो मैं आपको बता देती हूँ। राखी वाले डे के साथ स्पेशल जो है वो है मेरे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे, मेरे कान्हा जी का बर्थडे है। तो बस वही थोड़ा सा अब दिमाग में ये नहीं आ रहा कि कैसे मैं सेलिब्रेट करूं, क्योंकि घर भी जाना है और फिर सेलिब्रेट भी करना है। मन तो था कि थोड़ा सा छोटा मोटा प्रोग्राम कर लिया जाए, लेकिन राखी वाले डे की वजह से कोई फ्री नहीं है, सबने जाना है राखी बांधने। तो कहा जा रहा है राखी 2 डेज बनाई जा रही है, 11 और 12 को। तो देखते हैं कब हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो मेरे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है वो तो है कल ही। तो गाइज, इसीलिए मैं थोड़ा सा ना घर को थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। डेकोरेट भी क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, क्योंकि एक चीज़ देख के मैं अभी बोर हो जाती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 का। तो गाइज, बीच में किचन का भी काम करना होगा, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे और फिर लंच की तैयारी भी करनी होगी। तो लंच ज़्यादा छोटा मोटा कर लेंगे, थोड़ा बहुत कर लेंगे। सुबह से मैंने वैसे कुछ नहीं खाया है, मैंने चाय और फैन रखा था एक, वही खाया है। तो अभी भूख नहीं लग रही है, क्योंकि माइंड में मेरे चल रहा है कि ये सब चीज़ को कैसे मैं मैनेज करूँ, कैसे कि दिखने में अच्छा लगे। मेरे को बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट किए हुए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कान्हा जी की ड्रेसेस को बना रही थी, तो कुछ ड्रेसेस ऐसी है कि जिसको मैं बना चुकी हूँ और कईयों ने मतलब लेनी है, ऑर्डर दिया था किसी ने तो वो लेनी है। और यूट्यूब पे भी मैं डालती रहती हूँ, तो आप देख लीजिएगा शॉर्ट्स वीडियो में। और गाइज, अब जो है बस अब मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे घर की क्या हालत हो रही है। और मेरी जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन घर को संभालना और घर को डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फेस्टिवल्स में। तो चलिए मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ मेरे हॉल का। तो गाइस, देख सकते हैं आप मेरे हॉल का लुक अभी ऐसा है, बिल्कुल मैसी है, क्योंकि मैं इधर कुछ कर रही थी, अरेंजमेंट कर रही थी कुछ। तो यहाँ पे आपको कुछ बैग दिखेंगे और ये देख सकते हैं आप, सारा कुछ मेरे घर में मतलब मैसी हो रखा है। तो बस इसको अब मैं करूँगी अरेंज। तो थोड़ा बहुत आपको जितना भी शूट हो पाया मैं आपको दिखा दूंगी। तो गाइस देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कूड़ा वगैरह मेरा डस्ट जो है वो निकल गया था। यहाँ मैंने थोड़ी बहुत सेटिंग कर दी है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और
ये देख सकते हैं आप, ये फिश पॉट था जिसको मैंने बहुत दिनों तक, 15 दिनों तक बाहर ही रखा था क्योंकि इसमें से स्मेल नहीं जा रही थी, और इसको अच्छे से वॉश करके सूखा के फिर मैंने ऐसे ही यूज़ किया है। और अब जो है मेरे जो सूखे हुए कपड़े थे उन सबको मैं तह लगा के अपना अलमीरा में रख दूँगी। और यहाँ मैं कर रही हूँ अब सोफ़ों के कवर जो है उनको चेंज कर रही हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी त्यौहार हो जाता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने को ही अच्छा लगता है अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये काम सारे फालतू लगते हैं, लेकिन नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ करना। तो मैंने ये सब जो चेंज कर रही हूँ उन कपड़ों को मैं बाद में दोबारा से बिछा दूँगी, क्योंकि मैंने इनको अभी धोकर ही बिछाया था। और अब जो है ये मैं अपने न्यू वाले जो सोफ़ा कवर्स हैं वो मैं लगा रही हूँ, मतलब इतने भी न्यू नहीं हैं, वैसे है ये 2-3 साल पुराने, लेकिन मैं इनको ओकेजनली बिछाती हूँ तो इस वजह से ये गंदे नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं मेरे सोफ़े का लुक, और यहाँ मैंने पूरा घर कर दिया है अपना क्लीन, अभी पोछा नहीं लगाया है। और यहाँ देख सकते हैं अब इतना ज़्यादा कूड़ा निकला है घर में से, और अब जो है मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है। तो स्टार्टिंग से आप इंजॉय कीजिए। तो गाइस आपको मैंने अभी जैसे दिखाया कि मैंने अपने पूरा घर जो है कंप्लीट क्लीन करके डेकोरेट कर दिया है, ताकि मुझे कल के लिए कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और बच्चों को भी मैं ज़्यादा मैसी नहीं करने दूंगी, और मतलब बच्चों को सिखाया जाएगा तभी बच्चे करेंगे। और बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ, जैसे कि आपको मेरे पसीने से और हालत से पता लग ही रहा होगा। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही है, और टाइम हो रहा है 3:15 हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मैं पूरे पसीने से तरबतर हो रही हूँ, और लाइट भी गई हुई है, वो थोड़ा सा इन्वर्टर की वजह से ये फ़ैन चल रहा है, और लाइट जलाई है वो भी अभी वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो हमारी इन्वर्टर की जो बैटरी है वो भी डाउन हो जाएगी। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।